महाराष्ट्र में कल शक्ति परीक्षण से पहले बागियों के नेता एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान आया। मां कामाख्या के दर पर दर्शन करने के बाद शिंदे ने कहा कि उन्हें इस फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई चिंता नहीं है, उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है। शिंदे ने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट में पास होंगे ही। शिंदे के मुताबिक उनके पास शिवसेना के 2/3 विधायकों का साथ है। में हम लोग कल पहुंचेंगे, कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे, सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे, जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40+10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गट के पास है, शिवसेना गट के पास है, और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे, हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजोरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। एकनाथ शिंदे ने आज 2-2 बार मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। पहली बार एकनाथ शिंदे सुबह अकेले मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए पहुंचे और बाद में वो बाकी विधायकों के साथ बस में सवार होकर मंदिर पहुंचे। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। अब बागी विधायक थोड़ी देर बाद गुवाहाटी से गोवा के लिए रवाना होंगे। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में मां कामाख्या देवी का दर्शन करने पहुंचे हैं और अब ये दर्शन करने के बाद एकनाथ शिंदे लौट रहे हैं। उनके साथ 4 से 5 विधायक भी हैं और यहाँ पर इन्होंने आशीर्वाद लिया है माँ से, क्योंकि जिस तरह से जो इन्होंने बगावत शुरू की थी, और ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही राज्यपाल जो है वो इनको बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, तो ऐसे में इन्होंने उसके पहले आशीर्वाद लिया है। कल फ्लोर टेस्ट के लिए हम लोग मुंबई जाएंगे, कल सभी विधायकों के साथ में कल मुंबई में हम लोग पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो यहाँ पर माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए आए थे, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए माता से आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने ये भी कहा कि कल फ्लोर टेस्ट के लिए वो यहाँ गुवाहाटी से मुंबई जाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल ध्यान के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया TV, गुवाहाटी। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।